भाई सीन ये चल रहा है इस वक्त, हम काफ़ी ख्वारी के बाद जो है ना, मैं और ताहा भाई वो पहुँच गए अलवान बिरयानी। इसको चार हिस्से करेंगे जी, चार हिस्से कर देंगे जी। इसके दुल्हन मिल रही, थोड़ा एक्साइटेड हो जाए अब। दुल्हन नहीं मिल रही भाई, पराठा मिल रहा है। आप क्या दुल्हन समझ के आए? अभी ताहा भाई के साथ प्रोग्राम बनाया भाई कि कराची में जो है ना, वो अभी एक जगह शुरू हुआ है दुल्हन पराठा। अच्छा, दुल्हन पराठा जो है वो वैसे हैदराबाद में मिलता है, उसके अलावा कहीं नहीं मिलता। तो अभी यहाँ पर एक साहब ने शुरू किया है, तो मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ। तो ताहा भाई मेरा वेट कर रहे होंगे, उम्मीद यही है। तो बस अभी यहाँ से थोड़ा सा फ्यूल ले लूँ, फिर निकलते हैं। अभी एक जगह से मैं सीएनजी भरवाता हूँ, वहाँ पर गया तो पता चला कि सीएनजी पंप जो है ना बंद पड़ा हुआ है, कह रहा है कि प्रेशर नहीं है। तो ये तो मसला आता है सर्दियों के अंदर। तो अब दूसरी जगह चेक कर रहा हूँ, जाता हूँ देखता हूँ वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है। अभी देखता हूँ एक जगह ये आ गया है सीएनजी पंप, यहाँ पर सीएनजी मौजूद है या नहीं है, चेक करते हैं। ये इम्तियाज़ सुपर स्टोर के पास ये एक सीएनजी पंप है, देखते हैं। खुला हुआ तो है ये, लेकिन आगे चल के एक देखेंगे क्या सीन है। 1000 रुपये का डाल लो। चलिए ये कन्वर्ट कर देते हैं हम सीएनजी पे। ये अभी कन्वर्ट हो गई है ये जनाब, सीएनजी पे कन्वर्ट हो गई है। और शायद मेरी इस गाड़ी को आदत हो गई है सीएनजी की, लेकिन ये ज़्यादा अर्सा मिलने वाली नहीं है। मुझे पता है सीएनजी कराची में और क्या पाकिस्तान में इसका शदीद बहरान जो है वो आने वाला है। खैर पेट्रोल पे भी है, अल्लाह मालिक है। ताहा भाई को कॉल कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ भाई तैयार है नहीं है। ये जनाब तकरीबन मैं पहुँच गया हूँ, ताहा भाई तैयार होंगे वहाँ पे। ये भाई ये खड़े में वेटिंग कर रहे हैं ये भाई। ये जगह है, यहाँ पर मिलता है जी दुल्हन पराठा। दुल्हन पराठा मिल जाएगा, हैदराबाद वाला है, हैदराबाद वाला दुल्हन पराठा है जी। ये भाई बनाएंगे अभी हमारे लिए। मारो ना यार, राशिद भाई दुल्हन मिल रही, थोड़ा एक्साइटेड हो जाए अब। दुल्हन नहीं मिल रही भाई, पराठा मिल रहा है। आप क्या दुल्हन समझ के आए? घर वाले देखेंगे तो मसला हो जाएगा राशन लेने के लिए। भाई ये सीन चल रहा है इस वक्त जो है ना, दुल्हन पराठे का। ताहा भाई और हम लोग बैठे हुए ज़रा नाश्ता कर रहे हैं सुबह सुबह। एक नई चीज़ आई है कराची में, और चूँकि हैदराबाद में इस तरह की चीज़ मिलती थी, तो यहाँ पर कराची में अब स्टार्ट हुई है। तो आप लोग आए ट्राई करें बिल्कुल, मुझे तो अच्छा लग रहा है भाई, ज़बरदस्त है। नाश्ते का व्लॉग बन गया है जी, दुल्हन पराठा हमने खा लिया है। थोड़ा सा डिफरेंट था जो हैदराबाद में होता है उसके लिहाज से। बस ये कि एक चीज़ इंट्रोड्यूस हो गई कराची में, कराची में भी आ गया जी दुल्हन पराठा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। अच्छा जी, सीन ये है कि जी मैं वीडियो वगैरह बना के व्लॉग बना के ऑफिस से घर आ गया था, तो पता चला यहाँ पे गीज़र बंद पड़ा हुआ, तो मैंने कहा गीज़र चला लूँ घर, क्योंकि सर्दियाँ हैं भाई। ये देख रहे हैं आप टी शर्ट पहनी हुई, लेकिन सर्दी है भाई, कराची में शुरू हो गई है। ये है जी गीज़र, इसको चलाना है। ये इसको खोलेंगे पहले, और ये देख रहे हैं आप गीज़र चल चुका है जनाब, मुबारक हो भाई। अमेरिका यूरोप वाले तो बड़े परेशान हैं, वहाँ शदीद किस्म की जो है ना सर्दी चल रही है, -20 -30 पता नहीं कितना कहाँ तक पहुँच गया। अल्हम्दुलिल्लाह कराची का जो मौसम है ना ज़बरदस्त, जो भी यहाँ आएगा ना वो एंजॉय करेगा, बहुत अच्छा मौसम चल रहा है कराची का, बेहतरीन। अच्छा जी, याद होगा आपने, ये मैंने एक पौधा लिया था, अब ये छोटा का छोटा ही है, इसमें पानी डाल रहा हूँ भाई।
ये इब्राहिम साहब ने लिया था, थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है। नन्ना भी रह गया था, इसको भी डालते भैया, तू नहीं रह जा भैया पानी से कहीं। A few moments later. भाई सीन ये है कि जी इस वक्त रात हो चुकी है जनाब, और हमने आज प्लान बनाया है मैंने और ताहा भाई ने मिलके एक व्लॉग का। अच्छा व्लॉग क्या है जी, अभी जाके पता चलेगा कि वो बंदा मौजूद है या नहीं है। एक बड़ा पाव शुरू हुआ है नाजमाबाद में, तो एक छोटी सी शॉप है। और अच्छा अभी काफ़ी अंधेरा भी हो रहा होगा, आपको शायद चेहरा सही तरह नज़र भी नहीं आया मेरा, लाइटिंग वगैरह की सूरत हाल यही है यहाँ पे। तो मिलते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा भाई। भाई हसबे मामूल मैं पहुँच गया हूँ, ताहा भाई का वेट कर रहा हूँ। हमारे एक दोस्त हैं वो यहीं पर ही होते हैं, उन्होंने जगह बताई थी हमें वड़ा पाव की, अब्दुल्ला भाई, उनका भी मैं इंतजार कर रहा हूँ, वो आ जाएँ तो फिर ब्लॉग शुरू करते हैं। भाई सीन ये हुआ है कि इस वक्त जो है वो वड़ा पाव तो हो गया ख़त्म, ठीक है, तो वहाँ से तो हम निकल आए हैं, ताहा भाई मेरे साथ हैं, ज़रा हम एक जगह पता कर लें तो वो आपको भी मैं दिखाता हूँ कि हम कहाँ पर आएँ, कोई नई जगह हमें तलाश की है। भाई सीन ये चल रहा है इस वक्त, हम काफ़ी ख्वारी के बाद जो है ना मैं और ताहा भाई वो पहुँच गए अलवान बिरयानी, ठीक है। पहले हम गए बड़ा पाव के बाद, बड़ा पाव के बाद पता चला वो बड़ा पाव खाना वगैरह, उसके बाद हम गए चना चाट, एक बहुत ही मशहूर है, वहाँ पर गए हम, पता चला वो भी ख़त्म। तो खैर हम फिर हमने फैसला किया कि भाई हमने आना है रहमान बिरयानी, ये तो हर वक्त खुली है, अब रहमान बिरयानी पे हम आ गए हैं और बिरयानी का इंतजार कर रहे हैं। क्या बोल रहे हो? अच्छा जी उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा मेरा ब्लॉग, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।